पहली नजर में ये एक आम देहाती इलाका लगता है, धीमी सी जिंदगी वाले गांव, सुबह की गुनगुनी धूप में पकती फसलें। लेकिन गौर से देखने पर बिल्कुल अलग कहानी सामने आती है। यहाँ के स्थानीय लोगों की तरह एक बड़ा सा तेंदुआ भी अपने काम पर निकल पड़ा है। लोग इसे नागवासी कहते हैं। ये यहाँ एक मवेशी की लाश के लिए आया है जिसे इसने कल रात मारा था। दिन की रोशनी में कोई तेंदुआ शायद ही कभी इंसानों की बस्ती के इतने करीब आता है। शिकार इस तेंदुए से दोगुना भारी है। ये अकेले सुकून से खाने के लिए इसे खींचकर पास की पहाड़ियों में ले जाएगा। लोगों की मौजूदगी से नागवासी सतर्क है, लेकिन इसे कोई जल्दी नहीं है। ये जानता है कि गांव वाले इसे नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। शायद ये दुनिया की अकेली ऐसी जगह है जहां तेंदुए और इंसान शांति से साथ साथ रहते हैं। भारतीय उपमहाद्वीप में दुनिया के कुछ सबसे कमाल के इकोसिस्टम्स हैं। ऐसे कुछ जबरदस्त कुदरती इलाके राजस्थान में हैं। यहां अरावली के पहाड़ हैं, जो दुनिया के सबसे पुराने पहाड़ों में से एक है। यहां सर्दी का मौसम सूखा रहता है। इसकी ढलानों पर बिना पत्तों वाले ये पेड़ भुतहा लगते हैं। सफेद छाल की वजह से इन्हें भुतहा पेड़ कहा जाता है। यहाँ ये हजारों की तादाद में पाए जाते हैं, लेकिन ये पहाड़ियां उतनी बेजान नहीं हैं जितनी दिखती हैं। इससे निकली पानी की धाराएं नीचे के मैदानों को जिंदगी से सींचती हैं। इससे अरावली के पश्चिम के ये निचले इलाके उपजाऊ नखलिस्तान बन जाते हैं, और इस इलाके के बीचों बीच मौजूद है जवाई। यहां जवाई नदी पर बांध बना दिया गया है जिससे एक झील बन गई है। ये एक अनोखा बायोस्फीयर है। पानी के आसपास जिंदगी खूब पलती बढ़ती है। मैदानों में लोगों के गांव हैं, और उसके ऊपर पहाड़ियों पर तेंदुओं का ठिकाना है, ढेर सारे तेंदुए। उत्तरी छोर पर एक लग्जरी कैंप है, और इस इलाके के नाम पर इसका नाम भी जवाई है। ये तेंदुओं में दिलचस्पी रखने वाले दुनिया भर के लोगों को उन्हें देखने का मौका देता है। यहाँ इस इलाके में अक्सर एक नर तेंदुए के पंजों के निशान नजर आते हैं। कैंप में मौजूद टीम काफी समय से तेंदुओं को ट्रैक कर अपनी जानकारियों को दर्ज कर रही है। जवाई असल में एक अनोखा कुदरती इलाका है। ये असाधारण और कमाल की प्राकृतिक सुंदरता वाली जगह है। हम जिस इलाके में काम कर रहे हैं वो लगभग 50 वर्ग किलोमीटर का है, यानी हम बहुत ही छोटे से इलाके में काम कर रहे हैं, और यहाँ पर प्रति वर्ग किलोमीटर तेंदुओं की तादाद बहुत ज्यादा है। लोग यहाँ इतनी बड़ी तादाद में बड़ी बिल्लियों की उम्मीद नहीं करते। जवाई में काम करने से पहले मैं अफ्रीका में था। मैं ज्यादातर दक्षिण अफ्रीका में गाइडिंग करता था और शेरों, तेंदुओं, चीतों और कई दूसरी बड़ी बिल्लियों के साथ काम करता था। यहाँ हम रोज जो देखते हैं वो कमाल की बात है। पिछले 1.5 वर्षों में मैंने 29 तेंदुए देखे हैं। 29 अलग अलग तेंदुओं की तस्वीरें खींची हैं। मेरी राय में पूरी दुनिया में तेंदुओं की सबसे घनी आबादी यहाँ हमारे कैंप के पास है। ये टीम यहाँ एक मिशन पर है।
मैडम बोलो क्या बात है। हाँ तुम सीधे मेरी गाड़ी के पास आ जाओ। मोबाइल यूनिट्स जवाई की बड़ी बिल्लियों के बारे में जानकारियाँ जमा करने के लिए निकल पड़ी है। ग्रेनाइट की पहाड़ियों पर चढ़ना बहुत मुश्किल है, कुछ चढ़ाइयाँ बहुत तीखी है। पिछले 1.5 साल से ये टीम तेंदुओं के कई परिवारों पर नजर रख रही है, उनमें नैना नाम की एक मादा भी है। ये टीम पिछले कई महीनों से नैना और उसके बच्चों पर निगाह रख रही है, लेकिन तेंदुओं को देखने के लिए बहुत धैर्य की जरूरत होती है। वो अक्सर सिर्फ सुबह या शाम को नजर आते हैं। दिन के समय वो पहाड़ी की ऊंची ढलानों पर गुफाओं और बड़ी दरारों में छिपे रहते हैं। अचानक कुछ हरकत नजर आई। ये नैना है। ये कई दिनों के बाद बाहर आई है। नैना एक पूरी तरह विकसित मादा तेंदुआ है, जिसका वजन 30 से 40 किलोग्राम होगा। तेंदुए हल्के और फुर्तीले होते हैं। ये बड़ी आसानी से 3 मीटर की ऊंचाई तक उछल सकते हैं और 6 मीटर दूर तक छलांग लगा सकते हैं। एक चट्टान पर शान से चलती हुई नैना इंतजार कर रहे लोगों को देखने का मौका दे रही है। इसे अपने इस ऊंचे ठिकाने से इंसानों को देखने की आदत है। इंसान बहुत दूर है, इसलिए इसे डर नहीं लग रहा। ये पहाड़ियों की रानी है। ग्रे लंगूर नजर रख रहे हैं। ये सुरक्षित दूरी पर हैं। इसके बावजूद ये सतर्क रहेंगे। तेंदुए इन काले मुंह वाले बंदरों का शिकार करते हैं, लेकिन नैना का इरादा अभी शिकार करने का नहीं है। ये एक व्यस्त माँ है। ये अपने बच्चों के साथ वक्त बिताना चाहती है। तेंदुओं के तमाम बच्चों की तरह नैना के पहले शावक को खेलना बहुत पसंद है। आमतौर पर एक बार में तेंदुओं के 2 से 3 शावक होते हैं। नैना उनकी हिफाजत के लिए हमेशा मुस्तैद रहेगी। बच्चों के पिता के अलावा और कोई भी नर उन्हें तुरंत मार डालेगा। इससे नए नर को नैना के साथ मिलन करके अपनी संतानें पैदा करने का मौका मिलेगा। दूसरा बच्चा अभी इतना छोटा है कि इन खतरों की परवाह नहीं करता। ये तो बस खेलना चाहता है। 3 महीने के होने पर तेंदुए के बच्चे माँ का दूध पीना छोड़ देते हैं, लेकिन वे 2 साल तक अपनी माँ के साथ रह सकते हैं। लेकिन यहाँ जवाई में तेंदुओं के बीच जगह के लिए इतना कड़ा मुकाबला है कि इनमें समझदारी और आत्मनिर्भरता जल्दी आ जाती है। दूसरी जगहों के जंगली तेंदुओं के मुकाबले यहाँ बच्चे अपनी माँ से जल्दी अलग हो जाते हैं और ये मिलन भी जल्दी शुरू कर देते हैं। कुछ की मौत भी जल्दी हो जाती है। वयस्क नर इन पहाड़ियों पर मौजूद सीमित जगह के लिए एक दूसरे से जानलेवा मुकाबला करते हैं। ये पहाड़ियां इंसानी बस्तियों से घिरी हुई हैं। यहाँ तेंदुए के कुदरती शिकार मसलन हिरण, नीलगाय और जंगली शूकर जैसे जीवों की बड़ी तादाद को जिंदा रखने लायक जंगल नहीं है। तेंदुए को रोज औसतन 4 किलो मांस की जरूरत होती है। कोई बड़ा शिकार कई दिनों तक इनका पेट भर सकता है, लेकिन तेंदुए मौके का फायदा उठाने वाले शिकारी हैं। जवाई में ये लंगूरों और छोटे जंगली जीवों जैसे मुश्किल से पकड़ में आने वाले शिकार पर निर्भर नहीं करते। यहाँ तेंदुए ऐसे जानवरों का भी शिकार करते हैं जो जंगली नहीं है। शाम घिरते ही पहाड़ियों के नीचे लोगों की गतिविधियां शुरू हो जाती हैं। रेबारी चरवाहे घर लौटने के लिए अपने जानवरों को इकट्ठा कर रहे हैं। रेबारी खानाबदोश लोग हैं, लेकिन यहाँ के गांव में उनमें से कईयों के स्थायी घर हैं।
वे जानते हैं कि तेंदुए उनके जानवरों यानी भेड़, बकरी और मवेशियों और उनके साथ चलने वाले कुत्तों का शिकार करने के लिए आएंगे। रिबारी बहुत कुछ बर्दाश्त करके भी शांत रहने वाले लोग हैं। वो अपनी भेड़ बकरियों पर तेंदुए के हमले को बर्दाश्त कर लेते हैं। कई बार वो उसे तेंदुए को चढ़ाई गई बलि भी मान लेते हैं, क्योंकि मंदिरों और इनके देवी से जुड़े होने के कारण ये उसे भी देवता का रूप मानते हैं। तेंदुए यहाँ मंदिरों के रखवाले माने जाते हैं। रात होते ही तेंदुए पहाड़ी से नीचे आने लगते हैं। पालतू जानवरों की आवाजें इनके लिए खाने के बुलावे की तरह है। तेंदुए लगभग 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ सकते हैं, लेकिन नैना पहले चोरी छिपे आगे बढ़कर एक लक्ष्य चुनकर चुपके चुपके उसका पीछा करेगी। बड़ा नर नागवासी भी घात लगा रहा है। तेंदुओं को देखने का बिल्कुल सही समय है। तेंदुओं की नजर बहुत तेज होती है, यहां तक कि अंधेरे में भी। इस इलाके के लगभग 20 वर्ग किलोमीटर हिस्से को लेपर्ड कंजर्वेशन रिजर्व घोषित कर दिया गया है, लेकिन इसके जैसे कई तेंदुए रिजर्व के बाहर रहते हैं और वे खूब पल बढ़ रहे हैं। हम अब भी काफी कुछ नहीं जानते, ये बहुत ही शुरुआती दिन है। हम अभी सब जानकारियां इकट्ठा कर रहे हैं। तेंदुओं के दिखाई देने की हर घटना को बखूबी रिकॉर्ड किया जाता है, तस्वीरें ली जाती हैं और डेटाबेस बनाया जाता है। इस जानकारी को आप रॉ डेटा कह सकते हैं। हमने महज 5 वर्ग किलोमीटर के इलाके में 28 से ज्यादा तेंदुए देखे हैं। इतनी ज्यादा तादाद में तेंदुए दुनिया में कहीं और देखने को